हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं हुल्क का शेडिंग पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इसका मैंने पार्ट वन भी वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। वहां पर मैं ऑनलाइन का पार्ट वन था, अभी ये पार्ट टू है जिसमें मैं शेडिंग करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह का इसमें मैं यूज़ करूँगा स्टेडल लूना का कलर पेंसिल, स्टेडल लूना जो कि वाटर कलर पेंसिल भी है। 48 कलर पेंसिल्स है ये, 48 तब इसको निकालती है। बहुत ही अच्छे कलर पेंसिल है। अगर आपके पास ये वाला कलर पेंसिल नहीं है तो आप फेवर का स्टील के कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेडल से मैं भी करूँगा इसको ड्रॉ। तो गाइस, इस ड्राइंग को मुझे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप भी इसको ज़रूर ड्रॉ करना। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन भी देख लेना इसका। अभी इसमें मैं सिर्फ फेस ही ड्रॉ करने वाला हूँ, इसके बाद इसका टट पार्ट भी आने वाला है। तो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले मैं ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो कलर्स लेने वाला हूँ और ब्राउन भी लेने वाला हूँ मैं, और ब्लैक भी। अच्छे से ड्रॉ करना है, जो सा मैं कलर ले रहा हूँ आपको भी ले लेना है। आपकी इमेज देख के कलर देखना है, मैच करना है, फिर आपको ड्रॉ करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने कुछ ये कलर ले ली इस 24 कलर्स में से, और अभी इसमें से भी मैं ग्रीन लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं लाइट ग्रीन ले लिया, येलो भी ले लिया और ब्राउन भी ले लिया, और ब्लैक भी आप ले लेना। तो ये देख सकते हैं मैंने कुछ इतने कलर ले लिए इसको ड्रॉ करने के लिए शेडिंग। तो ये शेडिंग वाला पार्ट होने वाला है और आपको ये लास्ट तक देखते हैं, आपको फिर समझ में आएगा मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया। आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। तो आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आप बहुत ईजी है, लेकिन बहुत टाइम से आपको करना पड़ेगा ये, बहुत ही पेशेंट के साथ करना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है ये इसको ड्रॉ करने में। कलर पेंसिल से ड्रॉ होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो कुछ इस तरह का है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आईज से शुरू करूँगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है ब्लैक। पहले आपको इमेज को पहले अपने पास देख के आहिस्ते आहिस्ते से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है आपको। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं आइस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आइस को ड्रॉ करूँगा, और तो गाइस इसको थोड़ा सा मैंने स्पीड कर दिया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड कर दूंगा मैं अभी वीडियो को। तो मैं सबसे पहले ब्लैक को करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं आई को फुल ब्लैक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इमेज की तरह ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि बीच में तो वो सफ़ेद था इसलिए मैं सफ़ेद ही रहने दूंगा वाइट। तो आपको सबसे पहले आपको लेयर में सबसे पहले लाइट करना है, फिर आपको डार्क करना है। तो कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले लाइट करना है, फिर डार्क करना है। आप मेरी तरह आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये आई से थोड़ा सा डार्क है, फिर थोड़ा सा इसकी लाइट है। तो सबसे पहले मैं लाइट लेयर करूँगा, फिर सेकंड लेयर में थोड़ा सा डार्क होंगे, और थर्ड लेयर में फुल डार्क करने वाला हूँ मैं इसको। तो आप देख सकते हैं अभी सेकंड लेयर, फिर अभी थर्ड लेयर होने वाला है। तो कुछ इस तरह का है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इसी तरह से ड्रॉ करने, फिर आपको बीच में येलो करना है, फिर आपको ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप आईब्रो में थोड़ा सा आपको ब्राउन करना है, फिर ब्लैक करना है। तो देख सकते हैं गाइस इसी तरह से आपको करना है, इमेज को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है मेरी तरह है। कुछ इसी तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है इमेज को ऑब्जर्व करके। तो इसी तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है ये। सबसे पहले मैं लाइट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद डार्क करने वाला हूँ। तो अच्छी तरह से फ़ोटो को आपको ऑब्जर्व करना है पिक्चर को। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं लाइट करूँगा, फिर इसके बाद डार्क करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी कितने हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरे में ऐसे ही करना है। इसके बाद मैं पार्ट थ्री भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा चैनल पे। तो आप इसमें सबसे पहले आपको ये लास्ट तक देखना है वीडियो, फिर मैं इसके बाद पार्ट थ्री भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं शेडिंग करूँगा और हेयर्स ड्रॉ करने वाला हूँ और वो बॉडी भी ड्रॉ करने वाला हूँ। तभी के लिए मैं सिर्फ फेस ही ड्रॉ करने वाला हूँ। तभी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है ये। ये देख सकते हैं सबसे पहले लाइट, फिर डार्क कर रहा हूँ मैं, फिर इससे भी डार्क ब्लैक, इसे मैं ब्लैक में का भी यूज़ करूँगा। तभी मैं नोज को ड्रॉ करने वाला हूँ, सबसे पहले उसमें भी मैं लाइट करूँगा, फिर इसके बाद डार्क करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से। तो गाइस इसी तरह से आपको ये
पूरा शेडिंग इसी तरह से ही करना है, पहले लाइट करना है फिर डार्क करना है। तो एक एक लेयर चढ़ाना है आपको, सबसे पहले बिल्कुल ही लाइट करना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा डार्क करना है, फिर इसके बाद फुल डार्क करना है आपको, तो आप इमेज को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें फिर आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। इसमें भी आपको सबसे पहले लाइट करना है फिर डार्क करना है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का। इसमें मैं येलो का भी यूज़ करने वाला हूँ, देख सकते हैं, फिर अभी मैं ब्लैक का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप टाइम लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप मुझसे भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसको और जल्द से जल्द ड्रॉ करें इसको, तो देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको ड्रॉ करने में। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको ड्रॉ करने में। आप भी ड्रॉ कर पाएंगे, सबसे पहले आपको लाइट करना है, फिर इसके बाद सेकेंड लेयर में थोड़ा सा लाइट डार्क करना है, फिर इसके बाद आपको फुल डार्क करना है। तो आपको मैं कब से बता रहा हूँ, आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है, लाइट से डार्क में जाना है, डार्क से आप लाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले लाइट करना है फिर इसके बाद डार्क करना है। तो कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, आपको ड्रॉ करना है, जैसे आप देख सकते हैं उधर कलर देख सकते हैं आप, लाइट डार्क वो सब आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। तो मैंने इसी तरह ऑब्जर्व करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ लिप्स और ट्रीट। तो आपको ब्राउन का भी यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, आपको ब्राउन का यूज़ करना है, फिर आपको ग्रीन का। तो आपको इमेज में आप देख सकते हैं इसके दांत, आप देख सकते हैं टीट, आपको उसमें भी ब्राउन करना है। तो इसके बाद आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है, फिर आपको इसको ब्लेंड भी करना है। तो गाइस अभी रात के 12 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करने वाला हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी अच्छी वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा, तब के लिए बाय।